वेलकम टू अवर YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि फेयर एंड लवली की मदद से लिंग को गोरा किया जा सकता है। तो जानते हैं इस वीडियो में कि इस दावे में कितनी सच्चाई है और क्या फेयर एंड लवली की सहायता से लिंग को गोरा किया जा सकता है। दोस्तों, एक बड़ी ही अजीब बात है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लिंग और अंडकोश जहां पूरी तरह से ढके रहते हैं, पूरी तरह से वो हर समय ढके रहते हैं, लेकिन उनका जो रंग होता है वो सामान्य बाकी जो शरीर की त्वचा है उसकी तुलना में डार्क होता है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों है कि लिंग और अंडकोशों की जो त्वचा है वहां का रंग बाकी जगह की तुलना में ज्यादा गहरा क्यों होता है। दोस्तों, इसका कारण है मिलेनोसाइट्स। ये मिलेनोसाइट्स वो कोशिकाएं होती है जिनके अंदर मिलेनिन नामक काला रंगा पदार्थ होता है और ये काला रंगा पदार्थ लिंग और अंडकोशों की त्वचा में ज्यादा होता है। अब दोस्तों, यहां तक तो बात सही थी, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो गोरे चिट्टे लड़के भी होते हैं वो अपनी महिला पार्टनर के सामने जब अपने आप को एक्सपोज करते हैं, अपनी पैंट खोलते हैं, तो वो शर्मिंदा महसूस करते हैं क्योंकि उनके लिंग की जो त्वचा है वो काफी डार्क होती है। ऐसी कंडीशन में उनको शर्म आती है, वो सोचते हैं कि कहीं उनकी महिला पार्टनर, उनकी जो गर्लफ्रेंड है, वो कहीं उन्हें इस बात की वजह से छोड़ ना दे। तो ऐसी स्थिति में लड़कों को और कोई बात तो समझ में आती नहीं और वो अपने लिंग पर फेयर एंड लवली लगाना शुरू कर देते हैं कि फेयर एंड लवली की मदद से लिंग गोरा हो जाएगा। तो दोस्तों, यूं तो फेयर एंड लवली एक जानी मानी क्रीम है और इसको त्वचा पे ही इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे के लिए ये बनाई गई है, पिछले 45 ईयर से चल रही है, काफी अच्छी है। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि ये लिंग की त्वचा के लिए नहीं बनाई गई है। लिंग और अंडकोशों की त्वचा बाकी त्वचा की तुलना में सेंसिटिव होती है और मेरा ये कहना है कि आप फेयर एंड लवली को लिंग पर इस्तेमाल ना करें, ना अंडकोशों पर इस्तेमाल करें। ये वहां पर अनवांटेड रिएक्शन दे सकती है और इस तरह से आपको फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आप फेयर एंड लवली का यूज ना कीजिए। अब सवाल उठता है कि फेयर एंड लवली का अगर यूज नहीं करते तो क्या इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, मेरा कहना है कि बहुत बड़ी चीज है इस्तेमाल करने के लिए और वो बहुत बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आपके मन में ये ट्रस्ट है कि आपकी जो महिला पार्टनर है वो आपको पसंद करती है, तो आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि वो लिंग के कालेपन की वजह से या किसी और वजह से आपको ठुकरा देगी। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है और आप और आपके बीच में जो ट्रस्ट है वो इम्पोर्टेंट है। फिर भी अगर आप अपने लिंग की जो त्वचा है उसको गोरा करना ही चाहते हैं तो इसका ज्यादा अच्छा जो उपाय है वो है चाय की पत्ती का पानी। दोस्तों, आप चाय की पत्ती के पानी से अपने लिंग और अंडकोशों को रोज अच्छे से धोइए और आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे उसमें निखार आ रहा है। तो दोस्तों, फेयर एंड लवली इस काम के लिए ना इस्तेमाल कीजिए, इसी में आपकी भलाई है। तो दोस्तों, आपको मेरी दी गई ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।